भारत ने बना दिया ब्रह्मोस मिसाइल का भी बाप, अब चीन हो या पाकिस्तान हो जाएंगे एक ही झटके में साफ। दोस्तों, भारत के साथ चीन अब तनाव बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। वो शायद भूल गया है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान की तरह भारत भी उसका गुलाम बन के रहे, पर शायद वो भूल गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाला देश नहीं है, बल्कि दुश्मन देश को मिट्टी में मिलाने की दम रखता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें चीन फंसने के लिए तैयार हो चुका है। भारत चीन को सबक सिखाने के लिए पहली बार समुद्र में तेजस और ब्रह्मोस को एक साथ तैनात करने जा रहा है। ये दोनों फाइटर जेट का डेडली कॉम्बिनेशन समुद्र के ऊपर चीनी सेना पर मौत बन जाएगी। दोस्तों, चीन कितना घातक देश है ये किसी से छिपा नहीं है। ये ना ही किसी का दोस्त हुआ है और ना ही किसी का भला चाहता है। ये हर उस देश को नीचे गिराना चाहता है जो उससे विरोध करता है या फिर उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, और अभी हाल ही में फिलीपींस के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। फिलीपींस एक छोटा देश है जिसके ऊपर ये हाथ धोकर पड़ गया है, पर भारत के रहते फिलीपींस के साथ कुछ गलत हो जाए और भारत देखता रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत फिलीपींस के चक्रव्यूह में फंसने के लिए चीन तैयार हो चुका है। पहली बार समुद्र में तेजस और ब्रह्मोस का होगा डेडली कॉम्बिनेशन। समुद्र के ऊपर चीनी सेना की मौत बन जाएंगे तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि फिलीपींस में भारत तैनात करेगा ब्रह्मोस के बाद तेजस का नेवल वर्जन। भारत की प्लानिंग को देखकर खुद अमेरिका भी हैरान हो चुका है। दोस्तों, भारत के साथ चीन अब तनाव बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चीन भारत के साथ आने वाले दिनों में नए नए तरीके से तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप सोचेंगे कि इसकी वजह क्या है? क्या चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है? तो इसका जवाब है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर बात कुछ और है। दरअसल दोस्तों, इन दिनों भारत नए नए मिसाइल और सैटेलाइट को लॉन्च करने में लगा हुआ है, साथ ही राफेल और एमका जैसे फाइटर जेट को भी डेवलप करने में जोर शोर से लगा हुआ है, लेकिन चीन को यह सब हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो लगातार सीमा विवाद को लेकर नए नए तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत अपना पूरा ध्यान एलएसी पर तनाव में ही लगा दे और खुद भारत चीन के साथ उलझ कर रह जाए। हालांकि दोस्तों, चीन अगर ये सोच रहा है कि भारत सिर्फ सब कुछ देखता ही रह जाएगा और कोई एक्शन नहीं लेगा, तो चीन की ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत पहले से ही चीनी ड्रैगन को समुद्र के रास्ते निपटाने के लिए एक देश के साथ रणनीति बना चुका है, और वो देश है फिलीपींस। फिलीपींस चीन का सताया हुआ देश है, और आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर कि चीन का तानाशाह जिनपिंग इस देश पर कब्जा कर लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत के रहते चीन ऐसा कुछ कर नहीं सकता, बल्कि भारत ने तो उसके ही एरिया यानी कि दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती दादागिरी को निपटाने के लिए, उसे दक्षिण चीन सागर के रास्ते घेरने के लिए मिशन तेजस और ब्रह्मोस से शुरू कर दिया है। जी हां, पहले भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का ऐलान किया था, परंतु अब जो योद्धा फिलीपींस के वारशिप में उतरने वाला है वह इसी डेडली मिसाइल से लैस है, जिसकी तोड़ चीन तो क्या अमेरिका जैसे देश भी नहीं खोज सकते। तो चलिए जानते हैं भारत कौन सी डेडली मिसाइल को फिलीपींस के वारशिप में उतारने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिक के इस नेक काम के लिए वीडियो पर अपना लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत का तेजस फिलीपींस की जमीन पर उतरने वाला है। तेजस का सबसे नया वर्जन बनाकर तैयार करने जा रहा है भारत। भारत फिलहाल तेजस का एयर वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत चाहता है कि फिलीपींस को तेजस का नेवल वर्जन दिया जाए, क्योंकि यही तेजस भारत और यूं मानकर चलिए कि विश्व की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर उड़ेगा, तो ये एशिया का सबसे खूंखार फाइटर जेट प्लस मिसाइल कॉम्बिनेशन होगा, जिसका सामना चीन तो क्या अमेरिका भी अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट से भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेजस ने ब्रह्मोस को टारगेट पर लॉक करके मिसाइल दाग दी, तो चीन को उसका भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत फिलीपींस को चीन से मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस नहीं बल्कि उसका भी अगला वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस एनजी दे रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है और क्या क्या कर सकती है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको तेजस और ब्रह्मोस को लेकर आई जबरदस्त खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चीनी ड्रैगन की दादागिरी से परेशान होकर फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत से तेजस फाइटर जेट का अत्याधुनिक संस्करण खरीदने वाला है और भारत भी यही चाहता था। तेजस बनाने वाली भारत सरकार की कंपनी HAL ने फिलीपींस को LCA तेजस MK1 नौसैनिक संस्करण का ऑफर किया है। भारत ने फिलीपींस को नेवल वर्जन ही क्यों दिया? इसका कारण हमने आपको अभी बताया कि चीन यहां पर समुद्र के रास्ते इन देशों को परेशान कर रहा है और चीन जैसे शक्तिशाली देश से निपटने के लिए यहां पर भारत का तेजस नेवल वेरिएंट ही सही काम कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने फिलीपींस के लिए एक और बड़ा काम किया है जिससे कि चीन को और भी ज्यादा नुकसान होगा। भारत ने फिलीपींस से बात करके अपने देश में ही इन फाइटर जेट को बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे दक्षिण कोरिया इन दिनों दे रहा है। ये ऑफर अगर फिलीपींस स्वीकार करता है तो भारत के रक्षा निर्यात में भूचाल आ सकती है। HAL अभी भारतीय वायुसेना को देने के लिए तेजस के मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है। यह तेजस वाटर जेट ब्रह्मोस के हवाई संस्करण से लेस होगा। फिलीपींस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉक में तेजस MK1 को स्थानीय रूप से असेंबल करने की पेशकश की है। इसके अलावा फिलीपींस को भारत पैसों से भी मदद करने के लिए तैयार है, यानी फिलीपींस को अगर पैसे चाहिए तो भारत वो काम करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जनवरी 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने INS विक्रमादित्य पर नौसैनिकों ने LCA की एक सफल लैंडिंग का प्रदर्शन किया था। इसके बाद तेजस ने 5 दिनों में 18 टेक ऑफ और लैंडिंग की। पहला, तेजस MK1 इस महीने के अंत तक आसमान में उड़ान भरेगा। इसके तुरंत बाद ही इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा जिससे उसकी मार्क क्षमता कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का साइज तो छोटा होगा लेकिन उनकी ताकत क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन साइज में छोटी ये मिसाइल तबाही का ऐसा दृश्य दिखाएगी कि सामने वाले देश की रूह कांप जाए। और इसी मकसद से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन तैयार किया है जिसे NG ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। ये ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस वर्जन है। सोचिए, जिस ब्रह्मोस मिसाइल को पहले ही दुनिया का सबसे घातक मिसाइलों में जिसे शुमार किया जाता हो, जिसकी गति दुनिया के सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा हो, उसका भी एडवांस वर्जन आ जाए तो उसकी ताकत क्या होगी और उसकी रफ्तार कितनी होगी? जी हाँ, इसी प्रोजेक्ट का नाम है NG प्रोजेक्ट, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ और जल्द ही ये मिसाइल सामने आ जाएगी। काफी छोटी मिसाइल है लेकिन तबाही ऐसी मचाती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम किया जा रहा है जो कि NG वर्जन होगा, यानी कि अगली जनरेशन की मिसाइल। ये पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी लेकिन दुश्मन पर अधिक भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम चल रहा है। ये हथियार इंडियन एयर फोर्स को 2025 तक मिलने की उम्मीद है। हालांकि बताया जा रहा है कि साल 2024 के अंत में भी ये मिसाइल बनकर रेडी हो सकती है क्योंकि इस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत इस मिसाइल को बना क्यों रहा है? तो दोस्तों, पहला कारण तो भारत इस मिसाइल को दूसरे देशों को निर्यात करेगा। दूसरा कारण है कि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट है तो ये मिसाइल उनके लिए परफेक्ट होगी और ब्रह्मोस मिसाइल का NG वर्जन ही इसके लिए एकदम अच्छा रहेगा। तीसरा कारण यह है कि ये मिसाइल काफी छोटी है, वजन में कम है लेकिन 173 मिसाइल ले जाई जा सकती है और तीनों मिसाइल को अलग अलग टारगेट पर एक ही साथ लॉन्च किया जा सकता है। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मिसाइल के बारे में? क्या भारत को जल्द से जल्द यह मिसाइल बनानी चाहिए या नहीं, और बनाने के बाद दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।